यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस मूल भाव के साथ उत्पन्न हुए हिंदू धर्म के ऊपर जब कभी भी संकट आई तो उसका निवारण हिंदू धर्म के अंदर से ही लोगों ने करा, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पेरियार और पेरियार के जैसे चर्च के दलालों ने जब हिंदू धर्म के ऊपर हमले करे, पेरियार की दलाली के तीसरी पीढ़ी के स्टालिन ने जब उठपटांग बातें करी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियंस ने कांग्रेस बनाई जो खुद क्रिश्चियनिटी का प्रचार करती है, तो कांग्रेस शांत रही, ये तो समझ आता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी जो कल तक हिंदू पार्टियां होने का दावा करती थी, जब वो भी खामोश रह गए और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां खामोश रह गई, बीजेपी के अंदर थोड़ी बहुत आवाज उठी। असलम की पतलून ढीली होने पे सुमोटो का एक्शन लेने वाले सुप्रीम कोर्ट जब खामोश बैठे रहे तो साधु संत सामने आए और साधु संतों ने तय करा कि वो इसका विरोध करेंगे, तो इसकी तैयारी शुरू हो गई। विश्व हिंदू परिषद और संतों के बीच एक तालमेल बना। सनातन धर्म रक्षा मंच ने इसकी अगुवाई करी और सनातन धर्म रक्षा मंत्र के बैनर के नीचे ये रोज प्रदर्शन की बातें डिसाइड करेगी। ये पैम्पलेट निकला और इसके साथ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के साथ सनातन धर्म से जुड़े जितने भी लोग थे, जितनी भी संगठनें थी, उन सारी संगठनों ने अपना एक जोरदार, वो इतना प्रचंड आक्रोश था कि उसकी अनुगुंज अगले दिन सारे अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर, यूट्यूब चैनलों के अंदर आई। आप कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस जगह पे एकत्रीकरण का कार्यक्रम हुआ था, यहाँ से लेके तमिलनाडु भवन तक लोग पैदल मार्च कर रहे थे, जिसे रास्ते में बीच में पुलिस ने रोक दिया था। और सिर्फ वो स्टालिन ने ही ऐसा नहीं करा था, स्टालिन के बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गई, वो सारे ब्लॉक के बाहर आ गए और उन्होंने भौंकना स्टार्ट करा, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दिखाया और उस विरोध की गूंज तमिलनाडु भवन तक, चेन्नई की सड़कों तक पहुंच गई। सारे अखबारों ने प्रमुखता के साथ इसे छापा, चाहे वो किसी भी भाषा के अखबार रहे हों, सभी ने इसे छापा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब संत महात्मा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रोड पे निकले थे, जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का निर्देश दिया था, जब भी सबसे पहले जो उनसे भिड़ने वाले लोग थे वो नागा संत साधु ही थे। ये लोग हिंदू धर्म की पहली लाइन के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते रहे, जिसे फिल्मों में बदनाम करा गया। हिंदू धर्म को बदनाम करने में सबसे पहले फिल्में रही। आप ये देखेंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत होती है, महज 15 सालों के अंदर वो आलम आरा तक पहुंच जाती है। राजा हरिश्चंद्र से स्टार्ट होकर आलम आरा तक पहुंचने में सिर्फ 15 साल का समय लगता है, और ये तभी से प्रोपेगेंडा है हिंदू संतों को बदनाम करो। जिन मस्जिदों से पूरी दुनिया में बम ब्लास्ट हुए उनके बारे में, उनके मौलवियों के बारे में कभी किसी फिल्म में क्यों दिखाई जाती है? तो ये बॉलीवुड, सोशल मीडिया, ये लिब्रांडो, ये कांग्रेस, इन्होंने यही काम करा हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। साधु संतों को बदनाम करा, पुजारियों को बदनाम करा, लेकिन अब हिंदू उतना बेवकूफ नहीं रहा कि ये इनकी बातों में आ जाए। ये तो केवल अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है।